सभी दोस्तों को नमस्कार है। दिस इज ऑन माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। आज मैं जा रहा हूँ एम्स हॉस्पिटल। नोएडा कितनी सुंदर हो गई है पहले से ज़्यादा। एस्केलेटर चलते हुए दोबारा नोएडा के दर्शन करते हैं। सिग्नेचर नहीं है वो देखते मगर मच्छ तो दोस्तों हमें यहाँ से चेंज करना है एम्स के लिए। अब हम जाएंगे हुड्डा सिटी सेंटर वाले में। हमें इसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। एस्केलेटर का यूज करेंगे। चले लिफ्ट की ओर। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है मेट्रो स्टेशन में क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ दिल्ली हाइट वाले पे। आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया। आई थिंक बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है ना। इसका एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इसके लिए मैं राजीव चौक से यूज़ करूँगा मेट्रो। उसमें देखूँगा टाइमिंग वगैरह क्या है। वेरी कंफ्यूज। चलो कोई नहीं, हर एक सीख ज़रूरी है। कृपया पैरों के छाप को पकड़ते हुए चलिए। मैं साफ से ही पूछ रहा हूँ सर, ये येलो लाइन के लिए है ना? येलो लाइन पे जा रही है? येलो लाइन करने वाला यार। आपका कहाँ डिटेल है? बहुत ज़्यादा वॉकिंग है बट मेट्रो स्टेशन में बहुत सारा खाने पीने को हर चीज़ है। जेके जंबो बुकिंग। ब्रीफिंग करते हुए
दिल्ली हाइट से एम्स के लिए अब दस डिग्री सेंटर से वाली ही पकड़नी है। तो फाइनली हम एम्स के मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं। फाइनली हम एम्स आ गए हैं और यहाँ उसके एम्स के सामने जस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल है। और ये हमारी आन और मान और हमारी शान, हमारा देश का राष्ट्र फ्लैग तिरंगा। मेरा मेन मोटिव था मैं आके एक चीज दिखाना आप लोगों को कि कितनी साफ सफाई हो गई है। अब आज ट्यूजडे मंडे टू ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे थोड़ा रश रहता है ज़्यादा ही। हमारे लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो उधर आपातकालीन इमरजेंसी है, बट हमें जाना है राइट। बिल्डिंग का नाम है लाल बिल्डिंग, हमने राइट टर्न ले लिया है। पैदल चलने वालों के लिए अलग से ही क्यू मैनेजमेंट कर रखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छा सुविधा कर दिया है भाई उनका। यहाँ का सिक्योरिटी इतना अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा कर दिया है। ये वार्ड ब्लॉक है, यहाँ पे किसी भी जगह जाके राइट होके आपको ब्लड डोनेशन के लिए मिल जाएगा। हमें जाना है लाल बिल्डिंग, वहाँ चलते हैं। अब हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों प्लीज सपोर्ट करना। सपोर्ट इसलिए क्योंकि नया हूँ यूट्यूब पे। सोचा YouTube पर वीडियो डालूँ और साथ के साथ जो लोग एम्स आना जाना करते हैं उनके लिए कुछ जानकारी दे दूँ, और जो फ्यूचर में आना चाहते हैं और लोग जहाँ से भी आना चाहते हैं अगर बाई मेट्रो में उनको बता सकता हूँ, मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्वच्छ एम्स, स्वस्थ एम्स, राइट। स्वच्छ तो है ही, साथ में ऊपर वालों ने स्वस्थ बनाने के लिए अच्छे डॉक्टर भी दे रखे हैं।
ये नेत्र डिपार्टमेंट है मतलब आँखों के इलाज के लिए। और दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, सब याद होगा बहुत ही इस चीज़ के लिए बहुत चीज़ें हो रही थी। ये देखो कमेंट जरूर करें ये क्या है, फिर मैं बताऊंगा क्या है। जी हाँ दोस्तों, हमें जहाँ आना था हम वहाँ आ गए हैं और विद इन 5 मिनट हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। कर रहे हैं सिक्योरिटी का तो बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा है उन्होंने। तो एंटर हो गए हम, भीड़ बहुत है यहाँ पे। अब चलते हैं हम अपनी मंजिल को, मुड़ते हैं लेफ्ट, पकड़ते हैं लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ से भीड़ है। सीढ़ी ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में टाइम लगता है, हमें जाना है 5th फ्लोर। तो दोस्तों हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने बहुत यहाँ से नहीं घर से जब से निकला हूँ बल्कि हॉस्पिटल में तो होना ही चाहिए, मास्क ज़रूर पहने, अपने लिए ना पहने लेकिन दूसरों के लिए ज़रूर पहने, अपने परिवार ने मित्रजनों के लिए। और लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब और सपोर्ट मी एंड लाइक ऑल्सो।
हर जगह हमारा तिरंगा, विजय विश्व तिरंगा हमारा झंडा हमारा। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात बोलिए, सपोर्ट करें और मुझे जरूर बताएं मेरे को क्या क्या अचीवमेंट से मेरे फर्स्ट टाइम है, और मैं इस चीज़ को जो लोग आप बताएंगे उसी चीज़ को मैं यूज करूँगा। और मेरे को पता नहीं है तो देख कमेंट करके बताएं मेरे को क्या क्या लेना चाहिए। और दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ये जरूर बता रहे हैं मैं और क्या क्या करना है। लव नॉट हेट मी। जय जय भारत।